हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है दिन शुक्रवार और तारीख है 18 जून। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15 और हम तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, अभी चूड़ी भी पहननी है और बालों में कंघी करनी है। तो आज हम जा रहे हैं चट्टी देवी की पूजा में और मैंने घर का सारा काम कर लिया है। सुबह वाला जो काम होता है, नाश्ता चाय वगैरह सब बना दिया है और नहा धो के मैंने घर में पूजा कर ली है। तो अभी मैं चल रही हूँ तैयार होने, क्योंकि 8 बजे का बुला हुआ है। तैयार हो जाती हूँ, अगर मौका मिला तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगी। और आप लोग समझ सकते हैं, किसी के यहाँ जाओ तो फोन उठा के वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पूजा में। आप लोग भी चट्ट माता की पूजा देख लीजिएगा अगर मौका मिले तो। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम आ गए हैं पूजा में और ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, बस थोड़ी सी ही वीडियो शूट की है, बस आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए कि कैसे होती है पूजा। यहाँ 7 सुहागने को खिलाया गया था और ये चटपट देवी की पूजा है। यहाँ पे महुए के पत्ते में खोया मतलब बना के घर में उसी पत्ते पे रख के फिर खड़े होके सबको अपने अपने मतलब हाथ से नहीं, सिर्फ मुंह से, हाथों में पत्ता पकड़ना है और मुंह से खाना होता है। तो ऐसे ही पूजा होती है चटपट देवी की। और अवसान देवी की, चटपट देवी की सेम पूजा होती है, बस थोड़ा अलग अलग नियम है। तो आप लोगों को पूजा कैसी लगी जरूर बताइएगा। अभी तो मतलब शुरुआत हुई है, फिर उसके बाद हमने रिकॉर्ड नहीं किया, पूजा में हमें लग गए थे। और फिर वहाँ से आने के बाद ये देखिए, यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, हम घर आ गए हैं दोपहर के मतलब बज गए थे 11:30-12 बज गए थे। और मतलब वहाँ मतलब खिलाने पिलाने के बाद फिर सब चाय नाश्ता करने लगे थे तो देर हो गई। और फिर घर का काम था थोड़ा कुछ, उसको करने लगे तो अभी ये इतना मतलब धीरे धीरे बरसात शुरू हुई कि बाहर अगर कपड़े फैले हों और ना देखो तो वो भी भीग जाएं, आवाज़ भी नहीं आती है और अचानक से बारिश आ जाती है, पता भी नहीं चलता कब बारिश आई कब चली गई। तो यही आजकल लगातार 3-4 दिन से हो रहा है। और फिर ये मेरा दोपहर में 2-2:30 बजे के करीब मैं मतलब काफ़ी दिनों से मलाई बटोर के रख रही थी, 10-15 दिन हो गए थे। तो मैंने सोचा लाओ आज इसको मत कर, मैं मक्खन बना लेती हूँ। और मक्खन बनाने के बाद फिर इसको मैं आज ही पिघला के घी बना लूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसे रख दिया तो फिर रखा ही रह जाएगा, फिर आलस आ जाएगा। और अभी मेरा बेटा सो गया है तो सोच रही हूँ मैं फटाफट जल्दी जल्दी सब काम कर लूँ, नहीं वो जागता रहता है तो फिर जल्दी कुछ करने नहीं देता है, बहुत परेशान करता है, हर चीज़ में वो पीछे पीछे लगा रहता है। और ज़्यादा शरारत तो नहीं करता है लेकिन फिर वो साथ में रहता है तो ये नहीं वो चाहिए, ये इसको मम्मा ये दे दो वो दे दो ऐसे करता रहता है, तो वो डिस्टर्ब होते रहते हैं हम। तो अभी चलिए मैंने निकाल लिया है सारे मक्खन को और इसको अभी मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ, गैस को ऑन कर दिया है और इसको मैं पिघला लूँगी। और जल्दी घी बनाने के लिए थोड़ा गैस की आंच को थोड़ा तेज़ करके बस लगातार चलाते रहिए तो घी जल्दी बन जाता है। और मैं ऐसे ही करती हूँ जब भी करती हूँ, तो कभी कभी थोड़ी मलाई रहती है तो मैं मथती भी नहीं है, बस मलाई अकेल खाली डाल के कढ़ाई में और आंच तेज़ करके थोड़ा बस लगातार चलाते रहती हूँ और चलाते चलाते घी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। और इधर देखिए मेरा घी बन के रेडी हो गया है, बस थोड़ा 5 मिनट और पका लूँगी, उसके बाद इसको ठंडा करके डब्बे में रख दूँगी। और भी वीडियो बने रहेगा, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है कुछ। तो यहाँ पे मेरी शाम की चाय बन रही है, आप लोग भी आ जाइए चाय पी लीजिए। और चाय पीने के बाद मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगी। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आइए चाय पी लेते हैं। और मैंने मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो उनकी चाय मेरी बेटी का दूध होता है। ये मेरा यहाँ तक इतना दर्द होने लगता है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक नस बहुत दर्द करती है।
और मेरा 2 दिन से दर्द हो रहा है, 2 दिन से जान लो बहुत परेशान है। बस वही दर्द की दवा खा खा के घर का काम करते हैं और कर भी क्या सकते हैं। तो भी सोच रहे हैं कि एक बार जाके डॉक्टर को फिर हम दिखा दें, बता दें उनको अपनी प्रॉब्लम की ऐसा क्यों हो रहा है, या कोई दवा और चेंज करके हमें दे दें, क्योंकि ये बहुत दर्द कर रहा है। ये जो ये चीज़ है, ये चमड़ा अंदर की तरफ से बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है और दर्द होता है। जब कुछ खाने लगते हैं तो सीधे उसी पे असर पड़ता है और दर्द होता है, तो कुछ खाने का मन भी नहीं करता है और कुछ बस कितना सारा हो कि बस मन करता है कि बस कुछ गरम गरम चीज़ से सिकाई करें। तो अभी गरम पानी में नमक डाल के उसे हम सिकाई करते हैं, ऐसे मुंह में डाल के, मतलब इसे कुलकुलाना नहीं होता है, और ऐसे धीरे धीरे मुंह में पानी भर के ऐसे ऐसे करके उसको सिकाई करते हैं। तो थोड़ी देर आराम होता है, उसके बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो यही मेरी प्रॉब्लम थी और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें और आप लोगों को भी अपनी दिक्कत बताएं। तो फ्रेंड्स, आप लोग दुआ करिए कि मेरा जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है, रात रात भी सो नहीं पाते हैं।